ये वाली वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है और जिनको नहीं पता, मेरा नाम जावेद खान है। मैं करंटली फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ NIT सूरत के अंदर और आपको टाइटल से पता लग चुका होगा, हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है और डिसेंट सी कंपनी डेलॉइट में हुआ है विद अ डिसेंट पैकेज। एंड आई विल बी जॉइनिंग डेलॉइट इन जुलाई 2023 और अगस्त 2023 आई गेस। और स्टार्टिंग मंथ में प्लेसमेंट हुआ है, लाइक एक महीना भी नहीं हुआ था प्लेसमेंट शुरू होते हुए और प्लेसमेंट हो गया एक महीने के अंदर। तो टेंशन फ्री वाला माहौल हो गया एकदम। आप लोग ये सोच रहे रहोगे कि भैया इस वाले वीडियो का सिग्निफिकेंस क्या है, इस वाले वीडियो का मोटिव क्या है, टेक चैनल पे ऐसे वीडियोस क्यों आ रहे हैं। तो यार डेफिनेटली मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। लाइक मैं ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताता लोगों को, मैं बहुत ही अपने तक रखता हूँ सारी चीज़ों को। और आपके जहन में ये ख्याल भी ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसे वीडियोस जो होते हैं, लाइक जो एक बंदा है जो बहुत ही ख़राब बैकग्राउंड से आ रहा है और लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए, यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाए, ऐसे वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा चल जाते हैं। लाइक उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, पैसे कमाई हो जाती है। तो पैसे कमाने का इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है इस वाले वीडियो से। लाइक मोनेटाइजेशन हम बंद कर देंगे इस वाले वीडियो का, पैसे कमाने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं अपने पास्ट के बारे में बताऊंगा और उन बातों में आप कुछ कनेक्ट कर जाओ और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ और लाइफ में कुछ अचीव कर लो। भैया मोटिवेट होने के लिए तो मैं मोटिवेशनल लेसन जो होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो सुन लूँगा, यूट्यूब पे सेशन सुन लूँगा। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जो वो सेशंस होते हैं वो ज़्यादा हेल्प नहीं करते। जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखते सामने कुछ ऐसा बड़ा होते हुए, तब तक यार आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और हमने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया है, बट स्टिल कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आप कनेक्ट कर जाते हो, आप मोटिवेट हो जाते हो, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? उससे मेरा एक्चुअली कुछ फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा सा कंट्री का फ़ायदा हो जाएगा। लाइक जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो और आप गोल अचीव कर लेते हो, तो कंट्री को आप किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लाइक जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ पर कंट्री भी डेवलप होते जाता है। तो मैं ये मेरा मेन मकसद तो यही है कि आप कंट्री को किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सको। और आप भी सोच रहे रहोगे कि भैया मेरे अकेले से थोड़ी कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना यार। एक एक बंदा अगर ऐसा सोचेगा तब तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको अपना बेस्ट देना है और कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है अपने हर वे में। तो प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो हमारे पिताजी जो है वो फार्मर थे, तो उन्हें पढ़ाई की अहमियत काफ़ी अच्छी तरीके से पता थी। वो हमें बताते भी थे कि पढ़ाई करो तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, बट हमें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हमें स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, हम पूरा दिन खेलते रहते थे। बोर्ड एग्जाम के टाइम पर भी हमने खेला है, 10th 12th सारे बोर्ड एग्जाम के टाइम पर हम खेलते रहते थे। और एक बहुत ही शर्म वाली बात, हम जूनियर KG और सीनियर KG दोनों साल लगातार फेल हुए हैं। लाइक किंडरगार्टन में कौन फेल होता है यार, उसमें हम फेल हुए। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई, क्लास में इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, सब ऐसा छोड़ देते थे, अलग समझते थे। लाइक किंडरगार्टन में कौन फेल होता है, उसमें फेल हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा शर्म आई, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुआ उसी एज में। फिर उसके बाद लगा नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1st से 12th तक हम टॉपर रहे हैं। लाइक टॉप 3 में मैं था और 11th 12th हमने टॉप किया था कॉलेज। 12th का तो हमने 12-13 साल का एक कंप्यूटर साइंस का रिकॉर्ड था, वो भी तोड़ दिया था। बट कभी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा कि टॉप करना है, मार्क्स लाना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। और अगर आपको भी ऐसा बोलना है कि मार्क्स डजेंट मैटर, तो प्लीज़ पहले मार्क्स लाओ उसके बाद ऐसा बोलो, क्योंकि दुनिया में ऐसा बोलोगे तो बहुत ही ज़्यादा पागल समझेंगे आपको लोग। 12th में JEE भी दी और वहाँ पर 50,000 रैंक आई और वहाँ पर हमने टोटली सेल्फ स्टडी किया था 11th 12th। और 50,000 रैंक पर पता था कि कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमने 1 साल ड्रॉप लिया। फिर हमने वापस से JEE दी, फिर लकीली NIT सूरत मिला। और मुझे याद है कि जितने भी रिपोर्ट कार्ड से लाइक 1st से लेकर 12th तक का और जो NIT सूरत में मेरा एडमिशन हुआ वहाँ तक का जितने भी रिपोर्ट कार्ड से, मैंने उनको नहीं संभाल के रखा है। बट जहाँ जहाँ मैं फेल हुआ हूँ, लाइक जूनियर KG, सीनियर KG और जहाँ पर 50,000 रैंक आई थी, वो रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है, संभाल कर रखा है मैंने। फेलियर्स वाले रिपोर्ट कार्ड मैंने संभाल के रखे हैं, बाकी जितने भी अच्छे वाले हैं वो नहीं है, शायद मिसप्लेस हो गए। 10th और 12th का तो ऑब्वियसली सभी के पास होता है। फिर NIT सूरत में आने के बाद 1st ईयर में हमें इतना पता था कि प्लेसमेंट में तो नहीं बैठना है, वो 1-2 लाख रुपए महीने के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे। वही टोटल रेस होता है, पूरे लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो यार वहाँ पे हम अपने आप को कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करना है। तो इतना क्लियर था कि उस रेस में नहीं जाना है, कंट्री के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है। और डिफेंस जो है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने मुल्क को सर्व करने के लिए। और मुझे रॉ ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो मुझे इतना क्लियर था कि कंट्री को सर्व करना है किसी भी वे में। बट 3rd ईयर में आते आते फाइनल एग्जाम्स जब हुए 3rd ईयर के, तब हमें पता चला कि फैमिली जो है वो थोड़ा अलग सोचती है और उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। और सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लाइक मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अब तो प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट लेने के बाद भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एक बेस तो रखना पड़ेगा। तो मैं घर पे गए और आपको पता होगा कि प्लेसमेंट के लिए DSA बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने 1st ईयर से, मुझे बचपन से ही कंप्यूटर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मैं 1st ईयर से बहुत सारी चीज़ें सीखता था। मैंने ML, AI, डीप लर्निंग ये सारी चीज़ें सीख रखी है, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रखा है, रखा है, मैंने वेब डेवलपमेंट पढ़ रखा है, मैंने बहुत सारे तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, मैंने डेटाबेस ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उन पे भी मैंने काफ़ी तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। टेक्नोलॉजीज़ मैंने काफ़ी तगड़ी तगड़ी कवर कर रखी थी मेरे फर्स्ट से थर्ड ईयर तक जर्नी में। डीएसए पढ़ने का मेरा ज़्यादा मन नहीं करता था क्योंकि उससे कुछ रियल लाइफ में हम कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे, इसलिए मैं डीएसए नहीं पढ़ता था। बट प्लेसमेंट के लिए डीएसए ही इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरा बेसिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, बेस मेरा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर था, इसलिए डीएसए में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लॉजिक बिल्डिंग भी काफ़ी तगड़ा था क्योंकि मैं कंप्यूटर्स को बहुत ही पहले से यूज़ करता था और C++ में भी मैंने कोडिंग कर रखी थी 17-16 साल की उम्र में, तो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई। और जुलाई में मैंने डीएसए कंप्लीट कर दिया। डीपी मेरा एक टॉपिक है, वो मेरा छूट गया था, तो डीपी मैंने नहीं करी थी। मैंने सोचा था जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब मैं डीपी पढ़ता रहूँगा साइड बाय साइड। मैंने छोटे छोटे टॉपिक जस्ट कवर किए थे डीपी के। उसके बाद जुलाई 25 को मैं कॉलेज में आता हूँ। जुलाई 26 को आई थिंक रीओपनिंग था कॉलेज का, तो 25 जुलाई को मैं कॉलेज में आता हूँ। 28 जुलाई को पहली कंपनी विजिट करती है, कंपनी का नाम नहीं लूँगा। 28 जुलाई को उसका टेस्ट होता है, फर्स्ट राउंड, जिसमें 12 मिनट में 50 सवाल करने थे और शाम को उसका रिजल्ट आता है। मुझे लगा था कि क्लियर हो जाएगा, चलो फर्स्ट कंपनी में पहला प्लेसमेंट लेके कॉलेज में एकदम चौड़ से जाएंगे। बट उसका जब फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ इवनिंग में, तब उसमें नाम ही नहीं था और इतना ज़्यादा डिप्रेशन आया, वापस से एंग्जाइटी हिट कर दी, वापस से मेडिसिन चालू कर दी, एंग्जाइटी ये सारी चीज़ें, चेस्ट एकदम भारी हो गया था तो मेडिसिन वापस से चालू कर दी। बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था, लाइक वर्थलेस फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया में सबसे निकम्मे हम ही हैं, NIT टैग का कुछ मतलब नहीं है, इतनी सारी मेहनत करी, सब बकवास है, इससे अच्छा तो मैं कुछ खेलता रहता, वहीं पे ज़्यादा मैं ग्रो कर जाता लाइफ में। ये सारी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, एकदम वर्थलेस फील हो रहा था। उसके बाद वाला जो एक महीना है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करी, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन था यार, बहुत कुछ हो रहा था और मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, ये मेरा पता नहीं क्यों ऐसा है। तो मैं घर पर कुछ नहीं बताता था, बस हाँ 30-30 सेकेंड बात करके छोड़ देता था। और उस एक महीने में मैंने ना जिम गया हूँ, मैं वहाँ पर मैं ना ढंग से खा रहा था, ब्रेकफास्ट तो मैंने किया ही नहीं, 2 टाइम का खाना खाता था मैं और वहाँ पर भी अच्छे तरीके से नहीं खाता था। मेस में जाने का मन नहीं करता था, मेस का खाना खाने का मन नहीं करता था, घर जाने का मन करता था, बट ऐसा लगता था बिना प्लेसमेंट के घर नहीं जाना है। पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि कॉलेज ख़राब है, घर अच्छा है, घर पर ज़्यादा अच्छा रहता है माइंड, बट तो भी घर नहीं जा सकते थे क्योंकि प्लेसमेंट हुआ नहीं है। एक महीने तक ना बियर्ड ट्रिम किया, ना हेयर कट किया, पूरा कबीर सिंह वाली फीलिंग आ रही थी, हाथ टूटा हुआ था, डॉक्टर बोल रहे थे एक्सरे करा लो, बट यही था कि प्लेसमेंट हो जाए तभी करेंगे जो करना है। दोस्त लोग बोल रहे थे मतलब लुक बदल दो, ख़राब हो गया है लुक, नहीं बदल रहे थे, प्लेसमेंट के बाद ही बदलना था जो होना था। किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, सोने का मन नहीं, खाने का मन नहीं, 4 kg हमारा मास ड्रॉप हो गया था 1 महीने के अंदर और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। क्योंकि उन 1 महीने में 8-9 कंपनीज़ ने विजिट किया, हम 4-5 इंटरव्यू तक भी गए, बट कुछ कंपनीज़ ने हमें रिजेक्ट कर दिया और कुछ इंटरव्यू हम ख़राब करके आ गए क्योंकि ऐसा लगा कि उस कंपनी में नहीं जाना है। और आई होप ये प्लेसमेंट सेल नहीं सुन रहा हूँ मेरे कॉलेज का, नहीं तो दिक्कत हो सकती है इस वाली बात से। और जहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा था वहाँ पर डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर 24 अगस्त को डेलॉइट का टेस्ट हुआ, वहाँ पर भी लगा कि कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा नाम, लक ख़राब है। बट 24 अगस्त को इवनिंग में लिस्ट आ गई, उसमें हमारा नाम था और पैनल्स फिर वहाँ पर डिसाइड हुए। तो मेरे पैनल में अराउंड 9 स्टूडेंट्स थे और जो इंटरव्यूअर है, पैनल की इंटरव्यूअर जो थी वो लेडी थी। तो वहाँ पर मेरे दोस्तों ने बोल दिया कि जावेद का कंफर्म है प्लेसमेंट, क्योंकि यार जब भी एक लेडी इंटरव्यूअर आती है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे सामने अगर एक लेडी, एक गर्ल है तो मेरा काम आराम से हो जाता है। और इससे पहले 2-3 इंटरव्यूज़ में मेरी लेडी इंटरव्यूअर थी, वहाँ पर वो जो शेड्यूल है, इंटरव्यू ड्यूरेशन जो शेड्यूल होता था वो 30 मिनट का होता था, बट मैं वो 1 घंटे तक खींच देता था बातचीत करते करते वो 1 घंटे तक चला जाता था। तो उनको लगता था कि ये जो है क्लियर कर देगा, इसका लेडीज़ के साथ में अच्छा बनता है तो ये क्लियर कर देगा। और मुझे भी लग रहा था कि हाँ शायद मैं क्लियर कर सकता हूँ इंटरव्यू, बट स्टिल मैं 100% सर्टन नहीं था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी जा रहे थे कुछ इंटरव्यूज़। और ऑनेस्टी के साथ में मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, सारे इंटरव्यूज़ लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे गूगल कर देते हैं, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो क्वेश्चन गूगल करूँ और लर्न करके आंसर करूँ, नहीं। तो मैंने एकदम ऑनेस्टी के साथ में लाइक राजू रस्तोगी जैसा ऑनेस्टी के साथ में इंटरव्यू देता है वैसा मैंने दिया था सारे इंटरव्यूज़ को। तो मेरे जहन में यही था कि ये वाला इंटरव्यू भी हम एकदम ऑनेस्टी के साथ में देंगे। दोस्तों ने बोला कि अब तो बाल कटा ले, अब तो बियर्ड ट्रिम कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपनी, अच्छी कंपनी है। बट मैंने बोला नहीं, अगर सिलेक्शन होगा तो स्किल्स के बेसिस पे ही होगा। फिर इंटरव्यू हम यहीं पे दे रहे थे, वर्चुअल इंटरव्यू था, वहाँ पर कपड़े टंगे हुए हैं, एकदम कबीर सिंह वाला लुक है। नहाया नहीं था मैंने उस वाले दिन क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, ना मैंने ब्रेकफास्ट किया था उस वाले दिन। फिर हमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में MD जो थी डेलॉइट की MD, उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया और वहाँ पर मुझसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा 4-5 मिनट, वो मैंने अच्छे से आंसर किया। फिर मुझसे DNS सर्वर के बारे में पूछा गया, वो भी मैंने अच्छे से आंसर कर दिया। फिर मुझसे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया, लाइक Node.js, React.js, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन किया। गूगल के फायरबेस पे क्वेश्चन किया, काफ़ी तगड़े मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, तो उनको वो भी पसंद आया। उसके बाद मुझे DSA का एक क्वेश्चन दिया गया, मैंने वो भी कोड कर दिया। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस क्वेश्चन को DP से ऑप्टिमाइज़ करो। और DP तो हमने पढ़ी नहीं, और DP हमने सोचा था कि कॉलेज में पढ़ेंगे, बट कुछ मन ही नहीं लगता था, तो DP हमने नहीं पढ़ रखी थी। बट स्टिल मैंने अप्रोच बता दिया, टॉप डाउन अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है उस वाले क्वेश्चन को, तो मैंने अप्रोच बता दिया। बट कोड नहीं कर पाया मैं, बट तो भी अप्रोच को एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है, लाइक किसी भी इंटरव्यू में कभी नहीं बताया जाता कि आप सिलेक्टेड हो, पहले सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद ही लिस्ट आती है। बट मुझे इंटरव्यू में कह दिया गया था कि आप सिलेक्ट हो रहे हो, आप मुंबई आ रहे हो, लाइक मुंबई में जो उसका कैंपस है या फिर बैंगलोर में कैंपस है, आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो आप सिलेक्शन कर देना आपके लोकेशन का, आप वहाँ पर जा रहे हो। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और जितनी भी एंग्जाइटी थी, चेस्ट जो भारी हो रखा था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, मेडिकेशन बंद हो गई, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। खुश 1-2 दिन के लिए था, क्योंकि मेरा मेन गोल ये नहीं था कि लाइक प्लेसमेंट ही। NIT टैग है, NIT में आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता। बट हाँ, जो टेंशन था, जो एंग्जाइटी थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। मैं अच्छी तरीके से फोकस करने लगा, मैं खाने पीने लगा वापस से, मेरा वर्कआउट वापस चालू हो गया, लाइक मैं नॉर्मल लाइफ में आ गया था। और एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन, लाइक सारे इंटरव्यूज़ में मुझसे कहा गया कि दाँत थोड़ा कम फाड़ो, क्योंकि कैमरा सामने आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, हंसी आ ही जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। फर्स्ट ईयर में क्लियर था प्लेसमेंट नहीं लेना है, बट जब ये क्लियर हो गया कि अब प्लेसमेंट लेना है, तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा लॉयल होता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होता हूँ, जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो भी चीज़ मुझे चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी, बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली मैंने फॉलो किया था प्लेसमेंट के लिए। इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि जहाँ पर पैशन होता है और वो चीज़ आपको नहीं मिले, आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो और आपके साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो यार थोड़ा तो दुख होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेसमेंट से सीखने क्या मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली लर्निंग जो है, जो मैंने 7 साल पहले ही सीख ली थी, कि अगर आप एक मर्द हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा लाइफ टाइम तक। लाइफ टाइम तो नहीं, बट कॉलेज में एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक, हो सकता है लाइफ टाइम तक भी, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज़ होती है एक मैन के लिए, क्योंकि हर कंपनी वुमेन को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उनको मेल टू फीमेल का रेशियो बढ़ाना है। और वहीं कॉलेज में भी फीमेल को ज़्यादा एडमिशन प्रायोरिटी दी जाती है, उनका अगर ख़राब रैंक है तब भी उनको एडमिशन मिल जाता है, लाइक जो फीमेल कोटा है वहाँ से। लाइक जिस कॉलेज में NIT सूरत में मैं अंडर 5000 रैंक पे अगर आता हूँ, तो वहाँ पर एक लड़की का 1 लाख रैंक पर भी एडमिशन हो रहा होता है, तो ये चीज़ ख़राब लगती है देखने पर। लाइक वुमेन्स लोग अगर इतना सा एफर्ट मारेंगे तो उनको इतना कुछ रिटर्न में मिल सकता है, थोड़ा सा एफर्ट मारने पर बहुत कुछ रिटर्न में मिल सकता है। बट तो भी कुछ लड़कियां लाइक इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एफर्ट लगा रही हैं, वहाँ आपके अटेंशन के लिए, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पे अटेंशन के लिए 3-4 घंटा इन्वेस्ट होता है तैयार होने के लिए। यार ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अगर लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओगे, लाइफ में कुछ अच्छे मुकाम पर पहुँच जाओगे, तो यार लाइफ टाइम के लिए अटेंशन मिलती है, फीमेल को तो ज़्यादा ही मिलती है, क्योंकि फीमेल होकर कुछ अच्छा कर जाना बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। तो उस अटेंशन, लाइफ टाइम अटेंशन के लिए आप थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगा सकते क्या? क्योंकि यार थोड़ा सा एफर्ट लगाने पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न में मिल रहा है, तो इंस्टाग्राम पर क्यों एफर्ट लगाना? बट हाँ, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। प्लस रिजर्वेशन सिस्टम भी होता है, लाइक SC ST, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास, जनरल क्लास से आते हो और मैन हो, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ फेस करने मिलेगा लाइफ में, आपके कॉलेज में एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक। फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर आप जाते हो, लाइक आपको CAT देना है, MBA करना है, तो वहाँ पर भी IIMs में जो मेल इंजीनियर्स होते हैं उनको बहुत हेट किया जाता है, लाइक 99 परसेंटाइल पर भी उनका एडमिशन नहीं होता है। और वहीं पर जो एक फीमेल है उसका 85 परसेंटाइल पर भी एडमिशन हो जाता है। और 85 परसेंटाइल लाना तो यार थोड़ा तो आसानी, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली आसान होता है, और 99 के आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लाइक 98, 99 में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है परसेंटाइल में लाना। बट मैं ये जितने भी रिजर्वेशन सिस्टम है उनको टोटली सपोर्ट करता हूँ। पहले मुझे ख़राब लगता था थोड़ा, क्योंकि यार छट जाते थे, थोड़ा ऐसा लगता था हमें इतनी क्यों मेहनत करनी पड़ रही है। बट हाँ, अब समझ में आता है, हमने हिस्ट्री पढ़ी इंडिया की, तो लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी कोटा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो फीमेल कोटा है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार प्लीज़ ऐसे मत सोचो कि आपकी सीट कोई खा रहा है, थोड़ी सी मेहनत कर लो ना यार, थोड़ा हार्डवर्किंग नेचर रखो। मैंने तो यही सोच के रखा था 11-12 में कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 18 घंटा पढ़ लेंगे 16 घंटा पढ़ने से ज़्यादा। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो स्टेट कोटाज होते हैं, लाइक महाराष्ट्र का स्टेट कोटा, गुजरात का स्टेट कोटा, UP का स्टेट कोटा, ये सारी चीज़ें बंद कर दो यार। लाइक इंडिया है, सारे स्टेट्स एक बराबर, मतलब इंडिया में सब लोग एक ही बराबर है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट कोटा होना चाहिए। बाकी ये जितने भी अदर कोटाज होते हैं, अदर रिजर्वेशंस होते हैं, लाइक SC ST जनरल, ये सारी चीज़ें आप रहने दो, फीमेल का रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें भी रहनी चाहिए। सिर्फ एक स्टेट कोटा मुझे लगता है कि ये हटा देना चाहिए। और यार इस पर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, अगर किसी को भी हर्ट हुआ है तो प्लीज़ तहे दिल से मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सेकेंड लर्निंग क्या है मेरी इस प्लेसमेंट जर्नी से, तो मैं आपको बताता हूँ। जब हम JEE की प्रिपरेशन करते हैं तब हमारे ख्याल में ये रहता है कि आपको हमको मतलब इंडिया के टॉप 20-25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है विद टॉप 4 ब्रांचेस। बट इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, जितना मैंने देखा है मेरे कॉलेज में, जितना मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मन में ऐसा रखो कि आपको इंडिया के टॉप 5 to top 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है विद टॉप 4 ब्रांचेस। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक जा सकते हो विद CS IT ब्रांच। ये बहुत ही ज़्यादा प्रो टिप है। लाइक आपको अगर टॉप 5 या फिर टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप 4 ब्रांचेस नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप NIT टैग IIT टैग को लेकर अगर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे और आप सोच रहे हो कि मैं ख़राब ब्रांच में चला जाऊँगा, बट NIT टैग ले लूँगा, IIT टैग ले लूँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। आप कोई नॉर्मल से लाइक जो जिसका नाम है स्टेट में, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस के आप CS IT ब्रांच पढ़ लो, बहुत ज़्यादा लाइफ आसान हो जाएगी। ये एक प्रो टिप है जो मैंने लाइक 4 साल में पढ़ा है, 4 साल में एक्सपीरियंस किया है। तो यार ये तो हो गई प्लेसमेंट की बात। तो क्या यहाँ पर सब कुछ एंड हो जाता है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ टेंशन फ्री हुआ हूँ मैं, यहाँ पे खुशी नहीं आई है। खुशी तो तभी आएगी जब कंट्री को हम किसी वे में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हों। और मुझे सिर्फ टैक्स पे नहीं करना है, लाइक टैक्स पे करने वाले भी कंट्री को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैं टोटली रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है, जो मैंने सोचा है, जो मुझे करना है, वो तो मुझे करना ही है। ये एक मैंने बेस बना लिया है। और जॉब करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा या फेल होना पड़ेगा कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि जितने भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं वो ऐसे ही होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट, फेलियर। ऐसा नहीं होता है। आप कुछ साइड बाय साइड करते हुए भी काफ़ी सारी तगड़ी चीज़ें कर सकते हो। और कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं आज के टाइम पे। आपके पास NGOs है, आपके पास इतने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो या फिर किसी भी और वे में आप कंट्री को कॉन्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हो। तो डेफिनेटली इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते करते कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड करेंगे हम कंट्री को, और डेफिनेटली आपको भी बताएंगे आगे आने वाले टाइम पर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात खास करके स्टूडेंट्स के लिए, जो 20 to 21 एज है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एज होता है। लाइक जो लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और अगर लड़के हो आप, तब तो यार आप समझ रहे रहोगे दिल की बात, कितना प्रेशर होता है। और अगर आप एक सिंगल लड़के हो तब तो और ज़्यादा आप समझ रहे रहोगे। फैमिली प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लाइफ में। लाइक एंगर इश्यूज़ होने लग जाते हैं, और ये मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बता पा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकलता है, फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, हर जगह फ्रस्ट्रेशन निकलता है। आप किसी से भी अच्छी तरीके से बात नहीं करते हो। बट यार ये ठीक है, होता है, सभी के साथ में होता है, लेट रियलाइजेशन होता है। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा, जब आपका टाइम ख़राब होता है, आपके पास नॉलेज नहीं होता है, आपके पास स्किल्स नहीं होता है, तब ये सारी चीज़ें होती है। बट जब भी आपको लगे कि आप स्किलफुल होते जा रहे हो, आप एकम्प्लिशमेंट पाते जा रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तब प्लीज़ अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देना। लाइक छोटे इन द सेंस नॉलेज के बेसिस पे मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा एकम्प्लिश होते जा रहे हो, तो प्लीज़ अपने से छोटे लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, अच्छी तरीके से बात करना, क्योंकि जो बात करने का लहजा होता है वही डिसाइड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हो। आप अपने फैमिली से ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करना, जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ तो आप चलो ठीक है, आप फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, आप रह सकते हो क्योंकि वो भी सेम लेवल पे होते हैं। बट आपसे बड़े लेवल पे जो है और आपसे जो छोटे लेवल पे है, प्लीज़ उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करना। उनको लगना चाहिए कि कोई एक अच्छा आदमी हमसे बात कर रहा है, उनको कभी छोटा फील नहीं होना चाहिए। और अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना, वो टीचर्स जिन्होंने आपको रियल वैल्यूज़ प्रोवाइड किया, लाइक बचपन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रखी है। क्योंकि यार टीचर को फ़ीस पे कर देना, वो उनकी फ़ीस हो ही नहीं सकती, पैसा उनका कभी फ़ीस आप पे ही नहीं कर सकते पैसे से। जो रिस्पेक्ट होती है उसी से आप उनकी फ़ीस पे कर सकते हो। तो प्लीज़ उनसे आप अच्छी तरीके से बात करो, उनको आप टाइम टू टाइम रियलाइज़ करवाते रहो कि उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में, आप जो इस मुकाम पर हो उसमें उनका कितना हाथ है। तो जब आप ये बताते हो और उनके जो फेस पर स्माइल आती है, जो खुशी आती है, वो अनमैचेबल होती है, अनबिलीवेबल होती है, उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। एक टीचर जब खुश हो जाता है तो यार डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक टीचर को कभी आप पैसे से फ़ीस पे नहीं कर सकते, अच्छे टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो होपफुली आपने कुछ ना कुछ कनेक्ट किया होगा और कुछ ना कुछ आप ज़रूर अच्छा करोगे। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा टेंशन मत लेना, डिप्रेशन में मत जाना, एंग्जाइटी मत लेना, ये सारी चीज़ें से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट चेंज नहीं हो जाएगा। यार मेरे कहने से नहीं होता है, अगर किसी के कहने से ये सारी चीज़ें हो रही होती तो कितना ज़्यादा आसान हो जाता लाइफ। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आप लॉयल्टी के साथ में, जो भी चीज़ आप पैशनेटली फॉलो करते हो और वहाँ पर अगर आपका दिल टूट जाए तो डेफिनेटली यार डिप्रेशन तो आता ही है, भले वो रिलेशनशिप हो या फिर पढ़ाई हो या फिर जो भी आप कॉलेज में जाना चाहते हो या फिर जो भी आपने सोचा है वो आप पैशनेटली कर रहे हो, लॉयल्टी के साथ में कर रहे हो और वहाँ पर आपको रिजल्ट ना देखने मिले तो डेफिनेटली दिल तो टूट ही जाता है। तो हाँ, टेंशन लो, हेल्दी टेंशन लो। और ज़रूर यार, जब भी डाउनफॉल होता है तब कुछ ना कुछ कमबैक ऐसा तगड़ा होता है ना कि सब देखते रहते हैं। तो यार ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो डेफिनेटली अगर डाउनफॉल चल रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा तो आप कर ही लोगे, इतना तो मुझे भरोसा है। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।